क्वेश्चन दिया है हाउ मनी ब्रोमो बेंजिन आर पॉसिबल मतलब यह है कि डाई ब्रोमो डाइब्रोमोबेंजिन के आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होने हैं और इन सभी का मलकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो खासतौर तो से आइसोमर्स के बारे में बातचीत कर रहा है ठीक है अच्छा एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है जब आप डाई ब्रोमो बेंजिन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो जो बेंजिन रिंग है बेंजिन रिंग ठीक है तो इस बेंजिन रिंग में हर एक कार्बन कितने बाउंड शो कर रहा है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और एक कार्बन आपका तीन बाउंड शो कर रहा है मतलब क्या है कि हर एक कार्बन के पास में केवल एक ही हाइड्रोजन लगा है एक हाइड्रोजन हटा करके एक ब्रोमीन अटैच किया जा सकता है मतलब यह है कि एक कार्बन से अगर आप सोचें दो ब्रोमीन अटैच कर दें ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा क्यों क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये कार्बन कितने बाउंड शो करेगा पाँच बाउंड दैट इज आपका ये कंप्लीटली इनकरेक्ट हो जाएगा पांच बाड तो शो नहीं कर सकता तो मतलब क्या है कि जो बी आर बी आर है कभी भी एक ही कार्बन को आप अटैच नहीं कर सकते हैं ठीक है अच्छा एक ही स्ट्रक्चर में सबसे पहले ड्रा करता हूँ बेंजीन रिंग हो गया ठीक है ये बी आर हो गया एक बी आर इसको लगाया आज एंड कार्बन में भी मैं एक बी आर लगा देता हूँ अब देखिए वन टू डाइब्रोमो ये हो गया बेंजिन एक स्ट्रक्चर ये रेडी हो गया ठीक है वन टू डाइब्रोमो है अब इसके बाद में हम वन थ्री कर लेते हैं तो ये हो गया आपका वन फर्स्ट कार्बन टू और थर्ड थर्ड पोजीशन में एक बी आर लगा देता हूँ तो वन थ्री ब्रोमो बेंजिन हो गया वन फोर भी कर लेते हैं तो लेकिन अगर मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया बेंजीन का और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है ये सेकेंड थर्ड ये फोर्थ कार्बन तो ये वन फोर डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया ठीक है ये तीनों का मल्यूकुलर फार्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आपका डिफरेंट हो जाता है ठीक है ये आइसोमर से अच्छा इसके बाद में अगर आप सोचें कि वन फाइव डाइब्रोमो बेंजिन ड्रा करना चाहें तो अगर मैंने वन फाइव किया भी तो देखिए यहाँ पे बेंजिन है ये आपका बी आर हो गया और फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया ये बी आर अगर आप अपने अटैच किया तो ये आपका जो स्ट्रक्चर कौन सा भाई यहाँ से करेंगे वन टू थ्री तो वन थ्री डाइब्रोमो बेंजिन ऑलरेडी ड्रा किया गया है ठीक है तो फर्स्ट फिर से ये आपके रिपीट होने लगेंगे स्ट्रक्चर तो इस स्ट्रक्चर को आप कंसीडर नहीं करेंगे ठीक है तो ये पॉसिबल तीन ही स्ट्रक्चर हैं कि ड्रॉ किए जा सकते हैं तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई आपका सी ऑप्शन आप करेक्ट है सी ऑप्शन